आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के गुरु पूर्णिमा तिथि पर आज महाकाल सेवा दल की ओर से शहर के सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीएमपी 6 दुर्गा मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित नीरज झा एवं आचार्य दिवाकर झा द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ जलभोजी कराई गई, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान पूजन और संकल्प के बाद अपने कलश में जल भरा। हर हर महादेव एवं हर हर गंगे के जयकारों के साथ कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने जल अर्पण के लिए पैदल सिकंदरपुर सीढ़ी घाट के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचे। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि विगत 8 वर्षों से महाकाल सेवा दल द्वारा गुरु पूर्णिमा पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण करने से सभी सुखों का लाभ एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। मौके पर संरक्षक अरविंद सिंह, प्रभात कुमार, रमेश रत्नाकर, निहाल चौधरी, रौनक सराफ, मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी समेत कई सदस्य मौजूद थे। हर साल सावन के गुरु पूर्णिमा को हम लोग महाकाल सेवा दल के द्वारा बूढ़ी गंडक नदी से जल लेकर के बाबा गरीबनाथ धाम में हम लोग अर्पित करते हैं। हर साल अपने पूरे महाकाल सेवा दल के टीम के साथ और बाबा के भक्तों की सेवा में उसी दिन से हम लोग पूरे टीम के साथ लग जाते हैं बाबा के भक्तों की सेवा में। किस तरह का महाकाल सेवा दल है, किस तरह सेवा करता है कांवड़ियों का? महाकाल सेवा दल कांवड़िया भक्तों की बाबा गरीबनाथ के नगरी में आए हुए भक्तों की सेवा जल चढ़वाने में करवाते हैं। उसके बाद हम लोग शिविर के माध्यम से भी सेवा करते हैं, उसमें उन लोग का रहने खाने पीने का दवा का सब चीज़ का व्यवस्था रहता है शिविर में भी। कितने सालों से कर रहे हो? 8 वर्षों से हम लोग महाकाल सेवा दल के द्वारा कांवड़िया भक्तों की सेवा करते हैं। क्या परिचय हो गया? आकाश कुमार चौधरी, महाकाल सेवा दल अध्यक्ष। जय भोले, जय शिव। आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा बहुत ही हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और कल से सावन प्रारंभ हो रहा है, तो आज महाकाल सेवा दल की ओर से पवित्र जल बूढ़ी गंडक सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से सभी भक्त लोग बाबा गरीबनाथ धाम को अर्पित करने के लिए तैयार हैं। और सावन का मास प्रारंभ हो रहा है, सभी भक्तों से आग्रह है कि शिवमय वातावरण में सम्मिलित हों। हर हर महादेव। क्या परिचय हो गया? रमेश रत्नाकर, संरक्षक महाकाल सेवा दल। सबसे पहले मैं महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष हमारे माननीय आकाश चौधरी जी का धन्यवाद करूँ। पिछले 8 साल से वो इस चीज़ को निरंतर करते आ रहे हैं और आज हम लोग जल बुझी करके यहाँ से जो जाएंगे, जैसा कि सभी लोगों ने बताया है, उस हिसाब से हम लोग आज से सावन हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। पहला हम लोग का जो कर्तव्य होता है बाबा को जल अर्पण करना, वो हम लोग आज से स्टार्ट कर दिए और आज से महाकाल सेवा दल का सेवा प्रारंभ हो गया। पूरे 2 महीने अभी चलेंगे, सब हर चीज़ से निपुण तरीके से चलेगा, चाहे वो शिविर में दवा की व्यवस्था हो या फिर चाय पानी की व्यवस्था हो या रहने की व्यवस्था हो या किसी भी कांवड़िया को अगर किसी तरह की समस्या हो जाती है तो उनको जल अर्पण कैसे कराया जाए उसके लिए, तो इसके लिए मैं महाकाल सेवा दल के सभी अध्यक्षों, सभी सदस्यों और सभी गणों का धन्यवाद करता हूँ। पिछले 8 साल से निरंतर ये सेवा देते आ रहे हैं और बढ़ चढ़ तक देते आ रहे हैं। और इससे और सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं आकाश चौधरी जी, ये लगातार इसको सही दिशा और दशा में लेके चल रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता, लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।